नमस्कार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को महज 2 दिन बचे हैं। इसी बीच बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें से एक नाम पूर्णिया लोकसभा सीट का भी शामिल है। लालू यादव की लाडली बीमा भारती और पप्पू यादव की टक्कर ने पूर्णिया के चुनावी रण को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बीमा भारती ने पप्पू यादव पर सरेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। एक महिला प्रत्याशी है, उसको समझ आना चाहिए। खुद समझदार है, चुनाव लड़े हैं, इतना गुत समझ होना चाहिए पप्पू यादव को कि किस तरह से हमने जो है कि एक महिला के साथ कर रहे हैं। उसका कोई सभा होता है, कहीं कार्यक्रम होता है, मेरा आदमी तो नहीं जाता है उसका नाराबाजी करने के लिए, मारने के लिए। आज छोटू यादव को उसको गाड़ी को थोवा कर दिया, उसको जो है कि मारपीट किया, हमारे कार्यकर्ता कई को चोट लगा, मेरे गाड़ी को धक्का दे करके जो लग रहा था कि पलटा देगा गाड़ी को। इसकी वजह है तेजस्वी यादव का रोड शो है। जी हाँ, बीते दिन बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बहन के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे थे। पूर्णिया में तेजस्वी का रोड शो चल रहा था कि इसी दौरान अचानक से पप्पू यादव के नाम के नारे लगने लगे। आरजेडी का कहना है कि इस नारेबाजी के पीछे पप्पू यादव के समर्थकों का हाथ था, जो चोरी छिपे तेजस्वी के रैली में घुस आए थे। तेजस्वी की रैली में हुए पप्पू यादव की नारेबाजी के बाद बीमा भारती ने चुनाव में गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। बीमा भारती का कहना है कि पप्पू यादव गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, उनके लोगों ने पत्थर फेंके जिससे राज्यसभा सांसद को चोट भी लगी है। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। बीमा भारती ने इस मामले की जांच पूर्णिया के जिला अधिकारी और SP से करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को एक महिला उम्मीदवार के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम तो प्रशासन से यही आग्रह करेंगे SP साहब से कि जो भी यहाँ पर इस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है उसको चिन्हित करके उसको कार्रवाई कीजिए। आपको बता दें 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में आज यानी 24 अप्रैल को चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा। बिहार की बात करें तो दूसरे चरण में 5 सीट किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में वोटिंग होगी। अभी के लिए इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।